तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैथमेटिकल जो इंडक्शन था उससे रिलेटेड उसके कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा था और कुछ क्वेश्चंस को भी देखा था। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल कह रहा है 7 + 77 + 777 + ... कितने टर्म तक आपका 7 टर्म तक इज इक्वल टू 7/81 इंटू 10^(n+1) - 9n - 10। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं इसमें कितने डिजिट है, टोटल n डिजिट है। यहाँ से 7 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, पी ऑफ n यहाँ पे लेट करेंगे इस स्टेटमेंट को, और यहाँ से n इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, 1 लेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। और यहाँ पे हम LHS क्या फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे LHS क्या आता है आपका, 7 आता है। और उसके थ्रू जब आप RHS को सॉल्व करेंगे, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप 1 पुट करेंगे, तो कितना आएगा आपका, 7/81 × 10^2 - 9 × 1 - 10 = 7। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू 7 आएगा। किसका वैल्यू, RHS का वैल्यू। यहाँ पे पी ऑफ 1 पे क्या है, ये आपका ट्रू है स्टेटमेंट। फॉर n इज इक्वल टू 2 पे हम पुट करके देखेंगे तो 2 जो हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 7 + 77 आ जाएगा जो कि 84 आपका हो जाएगा। और उसके बाद अब RHS को सॉल्व करेंगे, यानी जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ पे 2 पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 84 आ जाएगा, जो कि पी ऑफ 2 में भी ये स्टेटमेंट क्या है, लाई कर रहा है, यानी ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। तो एज्यूम द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, यानी n इज इक्वल टू m कहने का मतलब क्या है कि n इज इक्वल टू m, यानी 1 इज इक्वल टू 2 हम कह सकते हैं। ओके, तो पी ऑफ n आपका क्या होगा, पी ऑफ m इज इक्वल टू 7 + 77 + 777 + 7 = 7/81 × 10^(m+1), यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम m कर देंगे, m + 1 - 9m - 10, यहाँ पे m डिजिट। और यहाँ से हम क्या करेंगे, नाउ n इज इक्वल टू m+1, यानी जहाँ जहाँ m है वहाँ पे हम क्या करेंगे, m+1 करेंगे, और उसको आप डिजिट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आप उसको सॉल्व करने के बाद जो इसका वैल्यू आएगा वो इतना वैल्यू आएगा। ओके, और यहाँ से और इसको और आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपका प्लस वाला जो SN टर्म को हम लोग ऐड करते हैं उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये सेट होगा, और सेट करने के बाद सिंप्लीफाई सिंपल सा आप कर सकते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपका 4 नंबर एग्जांपल कह रहा है कि इफ 1/2 × 5 + 1/5 × 8 + 1/8 × 11 + (n-1) × 3n - 1 × 3n + 2 = (9n)/6n + 4। और जहाँ पे आपका स्मॉल n कैपिटल n यानी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो आप उसको देख सकते हैं, लेट द स्टेटमेंट टू बी रिप्रेजेंटेड बाई पी ऑफ n, n इज इक्वल टू 1, LHS आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो आप यहाँ से सॉल्व करके देख सकते हैं 1/10 आएगा। ओके, और RHS आपका जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1/10 आएगा। तो p ऑफ n इज इक्वल टू पे क्या हो रहा है, ये आपका ट्रू हो रहा है स्टेटमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू n इज इक्वल टू m पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ m है जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आपका क्या होगा, m होगा। तो सिंपल सा स्टेटमेंट आपका बनेगा जो कि p ऑफ m प्लस 1 पे भी ये स्टेटमेंट आपका क्या करेगा, ट्रू होगा। ओके, उसके बाद आपका अगला एग्जांपल है 1/3 × 7 + 1/7 × 11 + 1/8 × 15 + (+4n-1) × 4n+3 = (n/3 × 4n+3). तो LHS जहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने के बाद इतना स्टेटमेंट का आपका जो वैल्यू आएगा 1/21, और RHS यानी इसका जो वैल्यू आएगा जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1/21। तो P ऑफ 1 के लिए आपका क्या स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, देन जहाँ जहाँ n है वहाँ पे m पुट करेंगे, तो m पुट करने के बाद जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका ट्रू हो जाएगा और ये स्टेटमेंट आपका लाई करेगा। ओके, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वो है एग्जांपल नंबर 6 कह रहा है कि 7/2n + 2^3n - 3 × 3^(n-1) = 25 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे Pn इज इक्वल टू 7/2n + 2^3n-3 × 3^(n-1) और जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, तो 1 जैसे ही आप पुट करेंगे तो उसका वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, 50 आएगा, जो कि 25 × 2 पे, देन P ऑफ 1 इज डिविजिबल बाई 25, दैट P ऑफ m इज डिविजिबल बाई
25 पी ऑफ एम। ओके, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे हम वो लोग एम पुट करेंगे तो पी एम प्लस वन के टर्म में आपका ये सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो आप इसको प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिएगा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का, तो आप इसे देख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।